योगेश्वर रामकृष्ण मंडलायुक्त बस्ती बनाए गए हैं, नवदीप रिडवा मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल। तो लगातार जो बड़ी खबर है, जगदीश एमडी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लखनऊ बने, अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव बने हैं, यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले। तो बड़ी खबर इस वक्त की तबादलों से जुड़ी हुई, जिसमें नवदीप रिडवा मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल के बनाए गए हैं, तो मुथु कुमार स्वामी भी मार जगदीश एमडी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव गृह विभाग बने, यूपी में 6 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। फिलहाल ये सूची भी है, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो ऐसे नाम जो थे ये काफी पहले से नामों को लेकर के सुगुगाट थी। जी और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता के साथ साथ अपने स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से अब AIS अफसरों के तबादले, हालांकि कुछ नाम इसमें ऐसे थे जो काफी प्रस्तावित भी थे, ये मंडलायुक्तों के बीच में हुआ है और अलीगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या, बस्ती चार मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं और स्टेट मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में जो एमडी थे मुथु कुमार स्वामी, अब उनकी जगह पर जगदीश को नया एमडी बनाया गया है। तो 6 तबादले हुए हैं, लेकिन गौरव दयाल जो अलीगढ़ में थे उनको अयोध्या का नया मंडलायुक्त बनाया गया है और नवदीप रिनवा जो अयोध्या में थे उनको अलीगढ़ भेजा गया है। योगेश्वर राम मिश्रा काफी समय से मिर्जापुर में थे, वो बस्ती के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। ये ट्रांसफर छोटे हैं लेकिन चार मंडल प्रभावित हुए हैं इन तबादलों से और सरकार ने इन तबादलों को ऐसा माना जा सकता है कि रूटीन वे में किया है कि अफसर लंबे समय से एक जगह पर पड़े थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन और फेरबदल किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 6 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर, एक रूटीन कार्रवाई के तहत ये ट्रांसफर हुए हैं।